بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم respected parents and students السلام عليكم Now we are going to start work for day six complete हो गया Now we are going to start day seven. Dear students, the page number 88. First question लिखा हुआ है In your notebook, complete the sums and write the रिमाइंडर पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो हमने सॉल्व किया था पेज नंबर 87 पे हमने उसमें रिमाइंडर शो नहीं किया ऐसे ही है लेकिन उन्होंने यहाँ पे खुद मांग दिया कि आपने इस रिमाइंडर क्या करना है शो करना है देखिए स्टूडेंट्स ए पार्ट है हमारे पास 28 / 5 के लेवल पे 28 आता है हम देखते हैं 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 28 नहीं आता लेकिन छोटी वैल्यू क्या आ रही है 5 5 20 5 माइनस करें 8 में से 5 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया 3 2 में से 2 माइनस किए 0 ठीक है क्या 5 के लेवल पे 3 आता है नहीं आता तो ये हमारे पास क्या होगा रिमाइंडर होगा कोई प्रॉब्लम इसमें ये आपके पास आंसर आ गया ठीक है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था यहाँ पे लिख देना साइड पे 5 × 5 डी पार्ट देखें फोर से मल्टीप्लाई करें जी स्टूडेंट्स 4 × 19 आता है 4 × 4 = 16 4 × 5 = 20 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 9 में 6 माइनस किए 3 1 में से 1 माइनस किए 0 क्या आंसर आ रहा है 3 इक्वल टू डाल के आर लिखना है और आगे क्या लिख देना है 4 × 4 नेक्स्ट पार्ट देखें सी (22 or 3) 3 7 = 21 माइनस किया 1 2 में से 2 गए 0 ये क्या आ गया रिमाइंडर 3 × 7 आगे देखें ए बी पार्ट 27 जी स्टूडेंट 4 के लिए 27 आता है देखें 4 6 = 24 4 7 = 28 छोटा नंबर कौन सा इसमें 24 4 6 = 24 माइनस करें 7 से 4 = 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 4 यहाँ पे ई पार्ट देखें इसका 6 × 5 = 30 माइनस किया 0 अब यहाँ पे 0 बच रहा है लेकिन हम फिर भी इसको क्या क्या कहेंगे रिमाइंडर है 6 × 5 क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने रिमाइंडर हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स एफ पार्ट है क्या लिखा हुआ है 7 / 37 7 × 5 = 35 माइनस करें 7 से 5 माइनस किया स्टूडेंट क्या देगा 2 7 × 5 ठीक है ये आपके पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा जी और एच पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे 5 करना है ठीक है आगे मल्टीप्लाई में आपने आंसर लिखना है ये दोनों सेम इसी तरह क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पेज देखें पेज नंबर 89
पेज नंबर 89 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं डिवीजन द रिमाइंडर टू डिजिट नंबर्स 6 and 49। इसमें भी हमें रिमाइंडर शो करना है। ए पार्ट देखें, 6 divide 49। जी स्टूडेंट, 6 का टेबल देखें कि उसमें 49 आता है। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और 6 9 54। 48 आता है सबसे छोटी वैल्यू इसमें। 6 8 48 - 9 - 8 - 1, ये इसका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपने इसे मल्टीप्लाई वाला को फिर बोले, ठीक है। बी पार्ट देखें, 8 and 58। क्या 8 की जगह पे 5 जाता है? नो। 8 की जगह पे 58 देखें, 8 8 64, 8 7 56। माइनस करें 8 में 6 माइनस किए तो आंसर क्या आएगा? 2। ये इसका आंसर, ये क्या होगा जी? रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सी पार्ट सॉल्व करेंगे, 9 और 83, 9 9 81, में से 1 - 2, ये क्या हो गया हमारे पास? आर। डी पार्ट देखें, छोटे नंबर्स देख रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पूरे पूरे भी डिवाइड हो सकते हैं। 10 3 30, माइनस करें 2 में से 0 - 2, 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। ई पार्ट देखें, 7 63। जी स्टूडेंट, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 7 9 क्या होता है? 63। 7 9 63, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। एफ पार्ट देखें, 9 74। जी स्टूडेंट, 9 के फिर 74 आता है? नो। 9 8 क्या होगा? 72। माइनस करें 4 में से 2 - 2, रिमाइंडर आ गया। जी पार्ट देखें, 8 66, 8 8 64, 8 2 0। आपने खुद सॉल्व करने हैं, सब में रिमाइंडर ज़रूर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई इसमें प्रॉब्लम? नाउ वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट। पेज नंबर 90। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट द क्वेश्चन शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। उन्होंने ये कहा है कि रिमाइंडर शो करना भी आप ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, लिखा हुआ है 51 divide 10। जी स्टूडेंट्स देखें, ये अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या मैंने आपको बताया था, क्या है ये? डिविडेंड। फोर 10 आने का डिवाइडर, 10 5 50,
माइनस करें 1। अब देखें स्टूडेंट से किस तरह लिखना है। फर्स्ट ये क्या आपके पास क्वोशेंट है और ये क्या है रिमाइंडर है। क्वोशेंट आप पहले लिखेंगे 5, स्मॉल आर यूज करेंगे रिमाइंडर के लिए, स्मॉल आर, नेक्स्ट क्या देगा 1, ठीक है 5 रिमाइंडर 1। ओके स्टूडेंट्स किस तरह पर लिखना है 5 रिमाइंडर 1 लिखना है। बी पार्ट देखें, सॉल्व करेंगे 243 को 10 पे डिवाइड। जी स्टूडेंट 10 के लेवल पे 2 जाता है, नो 24 इसे छोटी वैल्यू रहते क्या है 10 टू द 20 माइनस किया 4 में से 0 माइनस करें 4 ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। देखें जी क्या आ जाएगा 24 रिमाइंडर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखें सी पार्ट, ट्रिपल 9 डिवाइड 10, टेन 9 द 90 माइनस किया 9 आ जाएगा, ऊपर क्या वैल्यू रहेगी 9, ये हमने नीचे यूज कर ली 10 9 द 90 माइनस किया 9। जी स्टूडेंट कैसे लिखेंगे 99 रिमाइंडर 9, कोई प्रॉब्लम इसमें। डी पार्ट देखें, सेवेंटी टू डिवाइड 10, टेन सेवन दर 70 माइनस 2 में से 0 माइनस किए 2, कैसे लिखेंगे 7 रिमाइंडर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने ई टू आई को सॉल्व करनी है। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह होंगे, रिमाइंडर लिखना सबको आ गया है। पहले आपने क्वेश्चन लिखना है रिमाइंडर का स्मॉल आर और देन आपका जो रिमाइंडर आंसर आया होगा वो आप। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फिल इन द बॉक्सेस। ए पार्ट दिया हुआ है 78 डिवाइड डैश इक्वल टू 7 रिमाइंडर 8। आप देख रहे हैं देखें जरा स्टूडेंट्स इधर 72 लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया डिजिट और सेकंड क्या बन गया रिमाइंडर। यहाँ देखें 999 लिखा हुआ है, फर्स्ट टू क्वेश्चन में आ जाए और लास्ट क्या आ गया रिमाइंडर में। देखें 243 24 क्वेश्चन में आ जाएंगे और 3 क्या है रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही है ना, आपसे इस आपको इस तरह पता चलेगा कि आपके पास आंसर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह लिखा जाए। ओके जी फर्स्ट देखें किस क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 78 डिवाइड डैश इक्वल टू 7 रिमाइंडर 8। आप देखते हैं कि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दूसरा आंसर आता है, यहाँ क्या देगा 10। बी पार्ट देखें, लिखा हुआ है डैश डिवाइड 10 62 रिमाइंडर 4, इसके बीच में से आर हटा दें तो यहाँ पे क्या रहेगा 624, ठीक है। नेक्स्ट देखें सी पार्ट लिखा हुआ है 940 डिवाइड 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा
94 रिमाइंडर जीरो। ठीक है, डी पार्ट देखें, 49 डिवाइड डैश इक्वल टू 4 रिमाइंडर 9। जी स्टूडेंट, किसे डिवाइड करेंगे अभी से, तो आएगा आंसर 10 से। ई पार्ट देखें, डैश डिवाइड 10 इक्वल टू 48 रिमाइंडर 8। ठीक है, क्या आ जाएगा, 488 आ जाएगा। एफ पार्ट देखें, डैश डिवाइड 10 इक्वल टू 86 रिमाइंडर 5। जी यहाँ क्या आंसर आएगा, 865 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी और एच पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। जी एंड एच, जी स्टूडेंट पेज नंबर 91 देखिए आगे। पेज नंबर 91 में लिखा हुआ है, डिवीजन करना है आपने। क्वेश्चन नंबर वन है, वर्क दिस आउट, 3 डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे। देखें, 3 के रेलवे से जाता है स्टूडेंट्स, जी कहाँ रहता है, 2 पे, 3 to the 6 माइनस किया 0, ऊपर कौन सा डिजिट रह गया, 9, आप इसे नीचे यूज करेंगे, 3 3 the 9 0 आ जाएगा। ये क्या हो गया रिमाइंडर, और ये क्या हो गया आपके पास क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, बी पार्ट देखें अब इसका। अब आपने वन वन डिजिट को लेके सॉल्व करना है, ये ए था, अब हम बी पार्ट सॉल्व करने लगे। 448 जी स्टूडेंट, 4 1 4 माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा, 8, 4 2 8 माइनस किया 0। सी पार्ट देखें, इसके आगे हमें ये ज़रूर शो करना है कि ये रिमाइंडर है और ये क्या है, कोशेंट। सी पार्ट देखें, 5 55 5 1 is 5 0 ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट। ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट देखें, 3 divide 96 3 3 the 9 माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा, 6, 3 2 the 6 ये रिमाइंडर और ये क्वेश्चन। ई पार्ट देखें, 7 divide 77 7 1 is 7 7 1 is 7 जी कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब आपके एफ टू जी सेम इसी मेथड से होंगे, और हर आपने क्वेश्चन में बताना है क्वेश्चन कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। ठीक है, नाउ वी आर वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट। Now we are going to start work for day 9. Page number 91, question number 2. These questions have remainders. Write the remainder R. Question number 1. A part hai 3 divide 67. Students, sabse pehle aapne tens wale number ko dekhna hai. Tens number kya hai? 6 hai. आप देखें 3 के टेबल पे क्या 6 आता है,
जी स्टूडेंट्स, 3 2 6 माइनस करें 0। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 7। 3 के टेबल पे देखें 7 आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। 7 से बड़ा आ रहा है, देखें 7 से छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? 3 2 6। माइनस करें, क्या आंसर आ जाएगा? 1। ये आपका क्या है? रिमाइंडर है, और ये क्या है? क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था डिवीजन, डिवाइड हम किस तरह करते हैं। जिस जिस हम डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है, हम उसे किस नाम से जो है बुलाते हैं? फर्स्ट 5 से हमने डिवाइड किया, उसे हमें कहते हैं डिवाइजर। जिस 5 को हम डिवाइड करें 5 पे, उसे हमें कहते हैं डिविडेंड। 5 1 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन। और जो आंसर लास्ट पर आ रहा है माइनस से के, वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसको किस तरह लिखना है? इक्वल टू 22 रिमाइंडर 1। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि राइट द रिमाइंडर आर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, के क्वेश्चन से आगे आपने क्या लिखना है? रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, बी पार्ट देखें इसका स्टूडेंट। 2 and 29। जी, 2 के लिए देखिए 2 आता है। जी, ये कहाँ आता है? 2 1 is 2। 2 में से 2 माइनस किए 0, ऊपर क्या रह गया? 9। 2 4 are 8, माइनस करें 1। ये क्या आ गया? इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन में भी लिखनी है और लेदर से भी लिखना है। इक्वल टू 14 रिमाइंडर का स्मॉल r एंड 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1st नंबर क्या लिखा हुआ है? 9। 3 के टेबल पे देखें 9 जाता है, कहाँ पे रहता है? 3 के टेबल पे स्टूडेंट्स, 3 3 are 9। 9 में से 9 माइनस किए 0, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखें 3 remainder 1। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 0 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखें डी पार्ट। 4 46 divide 4, कैसे पढ़ना है? 46 divide 4। जी स्टूडेंट्स, 4 4 के टेबल पे जाता है, कहाँ पे रहता है? 4 1 is 4, माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 6। 4 1 4 माइनस करें 2, ये रिमाइंडर आ गया और ये क्वेश्चन आ गया। 11 रिमाइंडर 2, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स देखें, सिर्फ क्या इसमें चेंजिंग है? नंबर्स चेंज हैं, लेकिन काम सब में वही हो रहा है कि डिवाइड, पहले फर्स्ट नंबर को हम डिवाइड करें हैं, फिर सेकंड नंबर को डिवाइड करें। ठीक है, अब आपने अपने क्वेश्चन E2H को सॉल्व करने हैं। E2H सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 के E2H का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज ओपन कर लें, पेज नंबर 52। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 52 में
आपने पहले हंड्रेड्स को सॉल्व करना है, देन टेंस को सॉल्व करना है एंड वंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कैसे सॉल्व करना है, हंड्रेड्स हंड्रेड को, टेंस को और वंस को। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास 505 और हमने 5 पे डिवाइड करना है, यह आपकी एग्जांपल है जी स्टूडेंट्स। पहले आप इस 5 को इस 5 से डिवाइड करें, ठीक है। 5 1 इज 5, माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 0। 5 के टेबल पे 0 कहाँ आता है, 0 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 5 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आपने किसे सॉल्व किया, हंड्रेड्स को, फिर टेंस को और फिर देन वंस को सॉल्व किया। वन बाय वन सॉल्व किया, देखिए हमारे पास आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्या है जी, रिमाइंडर। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A यही क्वेश्चन है। देखिए कितना लिखेंगे इसे, 101 रिमाइंडर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी पार्ट, दी स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 9 9 1 9 9 माइनस के 0, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 9 9 1 9 माइनस के 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 0 9 0 0, ठीक है। किस तरह लिखना है आपने इसको, 110 रिमाइंडर 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट देखें, 8 divide 8 42 8 48 divide 8। जी फर्स्ट नंबर क्या है, 8 8 1 is 8 माइनस 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 4। जी देखें स्टूडेंट्स, क्या 8 की टेबल पे 4 आता है। हम जब टेबल स्टार्ट करते हैं 8 1 the 8, क्या फर्स्ट नंबर पे 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखें हमने क्या करना है, सेकेंड नंबर हमने इसी के साथ यूज़ कर लेना है। क्या करना है हमने इसके साथ, सेकेंड नंबर यूज़ कर लेना है। अब देखें हम एक टाइम में 2 डिजिट्स ले रहे हैं, हम एक टाइम में 2 डिजिट्स ले रहे हैं, तो हम ऊपर का क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्या मैंने बोला स्टूडेंट्स, 4 8 के टेबल पर नहीं आता, ठीक है। मैंने 8 नीचे उतार लिया 4 के साथ, अब ये क्या बन गया 48, मतलब एक टाइम में 2 डिजिट है, ठीक है। जब हम 2 डिजिट्स लेते हैं डिवाइड करने के लिए, तो हम पहले क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, 0 लगाते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 6 are 48 माइनस किया 0, आंसर देखें 106 रिमाइंडर 0। नेक्स्ट देखें डी पार्ट, टू के टेबल पे 3, 2 3 are 6 6 6 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 4, 2 2 are 4 माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 2 2 1 is 2, आंसर देख लें 321 रिमाइंडर 0। कोई प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट्स, अब आपने अपने क्वेश्चन ई टू एल सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ई टू एल आप सॉल्व करेंगे, ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ सी थोड़ा सा चेंज था कि एक दफ़ा में हमने 2 वैल्यूज यूज़ की, तो हमने क्वेश्चन में क्या लगाया स्टूडेंट्स, 0 मेंशन किया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है
राइट दिस इन योर नोटबुक एंड सॉल्व देम राइटिंग द रिमाइंडर. अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन लिखें, इसे सॉल्व करें और इसका रिमाइंडर बताएं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 660. क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट है. 660 डिवाइड 6. जी स्टूडेंट, 6 1 6, 6 में 6 माइनस किए 0, क्या देगा ऊपर से नीचे 6. 6 1 6 माइनस 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 0. अब देखिए 2 जीरो आ रहे हैं. 6 के टेबल पे आपने देखना है कि 0 कहाँ आता है. 6 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है. कोई प्रॉब्लम इसमें, माइनस करें 0. जी आंसर आ जाएगा 110 रिमाइंडर 0. बी पार्ट देखें, 880 डिवाइड 8, 809 जी देखें, 8 1 8, 8 में से 8 माइनस किए 0 आ जाएगा. ऊपर से नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, 0. 8 0 0 माइनस किया 0 आ जाएगा. ऊपर से नीचे क्या आया, 9. 8 1 8 माइनस किया 1. जी स्टूडेंट्स, 8 के टेबल पे 1 आता है, नो. अब आपका ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 101 रिमाइंडर 1. सी पार्ट देखें, 778 डिवाइड 7. 7 1 7, 7 से 7 माइनस किए 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 7. 7 1 7, 8. ठीक है, आंसर आएगा 111 रिमाइंडर 1. ये इसका आंसर है. कोई प्रॉब्लम इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 846 डिवाइड 4. डी पार्ट है, 846 डिवाइड 4. 4 2 8 माइनस किया 0, 4. 4 1 4 माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 6. 4 2 8 होता है, 4 1 4. जी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, आप देखें आपके से सारे क्वेश्चंस में से वैल्यूज चेंज है, मेथड वो ही यूज हो रहा है. अब आपने आगे E2 सॉल्व करने हैं जे तक. क्वेश्चन नंबर 4 E2J, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ वी आर कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 9.
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 10 पेज नंबर 93 एंड 94 वर्क फॉर डे 9 डिस्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें लिखा हुआ है नाउ वर्क दिस आउट इन योर नोटबुक यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म आपका क्वेश्चन किस तरह होगा लॉन्ग फॉर्म में होगा देखिए जी ए पार्ट है 842/2 पेज नंबर 92 में जिस तरह हमने किया था सेम वैसे ही होंगे 2 के टेबल पर 4 का 2 के टेबल 8 का आता है 4 पे 2 4 8 माइनस किया 0 ऊपर से नीचे क्या आएगा 4 2 2 का क्या आएगा 4 माइनस किया 0 2 1 2 डी स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है डिवीजन में लॉन्ग फॉर्म है क्या है ये लॉन्ग फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रिमाइंडर फाइंड करें या क्वेश्चन फाइंड करें उन्होंने कहा है आपने लॉन्ग फॉर्म करनी है लॉन्ग फॉर्म की बस यहीं पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया बी पार्ट देखें 884/4 4 2 8 में से 8 माइनस किए 0 नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 8 4 2 8 0 ये इसका आंसर आ गया कोई प्रॉब्लम इसमें ठीक है सी पार्ट देखें 969/3 3 3 9 माइनस किया 0 ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 6 3 2 6 माइनस 0 कोई प्रॉब्लम जी स्टूडेंट्स आपने से क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी पार्ट ई एंड पार्ट एफ आपने खुद सॉल्व करना है वैल्यू चेंज है मेथड यही यूज होगा नेक्स्ट ओपन योर पेज नंबर 94 पेज नंबर देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है राइट दी सम्स इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट आपने इसको क्या करना है कंप्लीट करना है फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 94 296/2 जी फर्स्ट नंबर क्या है हंड्रेड्स में कौन सी वैल्यू है 2 2 1 2 माइनस किया 0 जी सेकेंड नंबर क्या है 9 2 4 8 1 ऊपर से नीचे क्या आएगा 16 जी स्टूडेंट्स देखें 9 में से हमने 8 माइनस किया 1 आ गया सेकेंड नंबर हमने ऊपर से उतारा 6 आ गया अब पहले ही एक नंबर में जो था और अब दोबारा क्या आ गया दूसरा नंबर भी आ गया तो ये टोटल क्या बन गया 16 अब हम क्या करेंगे 2 8 16 माइनस किया 0 आ गया अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि रिमाइंडर बताना है कहाँ ये आपका रिमाइंडर ठीक है बी पार्ट देखें 464/4 4 1 is 4 0 24 बन गया 4 6 24 कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स इसमें आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखें
651 डिवाइड 3, 3 टू द 6, माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 5, 3 वन द 3, 5 ने 3 माइनस किए 2, डी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, 3 7 द 21। क्वेश्चन नंबर डी देखें, यहाँ पर रिमाइंडर है। Divide 2. जी फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है 5, क्या 2 के डिवाइड में 5 आता है? नो, छोटी वाली कौन सी आती है इसमें 4, 2 टू द 4, 5 में से 4 माइनस किए 1, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 8, 2 9 द 18, माइनस करें 0, ऊपर से नीचे क्या आ गया जी 0 आ गया, 2 0 द 0, ये इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये पार्ट फोर डिवाइड 2, 2 टू द 4, माइनस करें 0, 5 आ जाएगा, 2 टू द 4, माइनस 1, 5 में से 4 माइनस किए 1 आ गया, नेक्स्ट नंबर है 8, 2 9 द 18। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा ए टू ई आपके क्वेश्चन सेम है, उसी मेथड से हो रहे हैं, मैंने आपको ए टू ई करवा दिए हैं, अब आपने आगे सॉल्व करने हैं एफ टू टी। नाउ वी आर कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 10। Now we are going to start work for day 11. You should open your page number 95. Day 11 हमने कौन कौन सा पेज करना है 95 and 96. Same question, question number page number 94 की तरह, question number 2. ए पार्ट देखें, 648 डिवाइड 2, 846। जिसमें देखें 2 के पे 8 जाता है, कहाँ पे रहता है 2 4 द 8, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 2 टू द 4, माइनस किया 0, 6 एडिट आ जाएगा, 2 3 द 6, माइनस किया 0। कोई प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट्स? आप देखें आपने पेज नंबर 91 से 94 तक सॉल्व किए, अब आप 95 सॉल्व कर रहे हैं, इसमें डिवीजन हो रही है। डिवीजन में आप देखें कि सब में एक जैसा ही मेथड है, ठीक है? पहले हमने किए जो डिवाइड हमने किया था वो टू नंबर्स के बीच में था, अब फिर हमने आगे जो है फिर टू नंबर को वन नंबर से फिर डिवाइड किया, हमने उसमें रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बताए, फिर हमने डिवाइड किया थ्री नंबर्स को वन नंबर से और हमने उसके अंदर रिमाइंडर एंड रिमाइंडर बताया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, अब हमने इन्हें पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करना है लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है? ये हमारी कौन सी फॉर्म है? लॉन्ग फॉर्म है। बी पार्ट देखें,
755 डिवाइड 5, 5 वंस आर 5, 7 से 5 माइनस किए 2, ऊपर से नीचे क्या रहेगा स्टूडेंट 5, 5 5 आर 20, 5 माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है, 5 1 इज 5। जी स्टूडेंट्स देखें क्या आंसर आ गया हमारे पास 151। ये क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर है, सी पार्ट देखें 728 डिवाइड 4, 7 लिखा हुआ है, देखें 7 आता है 4 के टेबल पे, 4 वन दार 4, 4 टू दार 8, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 वन दार 4, 7 में से 4 माइनस करें 3, ऊपर से नीचे क्या देगा नेक्स्ट नंबर 2, 4 8 दार 30, 2 माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर है 8, 4 टू दार, कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 94 की तरह ही आपके डिवीजन चल रही है। डी स्टूडेंट्स अब आप अपना जो है पार्ट आपने जो सॉल्व करना है वो देखें, डी टू एल, ये सेम है ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं एज अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, नाउ कंप्लीट दिस। ए पार्ट सॉल्व करने लिखी हूँ, 732 डिवाइड 6, 6 वन इज 6, 7 इज 6 माइनस के 1, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 3, 6 टू दर 12, 1 आ जाएगा, ऊपर से नीचे क्या आएगा 12, कोई प्रॉब्लम? अब आपने इसके पार्ट भी सॉल्व करने हैं, बी टू एच सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज नंबर 96 लिखा हुआ है, कॉपी कंप्लीट एंड राइट द रिमाइंडर। अब आपने इसमें रिमाइंडर बताना है कि किस तरह लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, हमने पहले भी रिमाइंडर लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, 475 डिवाइड 4, 4 वन इज 4 माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या नंबर आएगा 7, 4 वन दार 4, 3, 5 आ गया, नीचे क्या लिखा हुआ है 35 लिखा हुआ है, 4 8 दार 32, 5 इज 2 माइनस किए 3, क्या 3 और डिवाइड हो सकता है 4 के टेबल पे? नहीं हो सकता, आप क्या लिखेंगे इक्वल टू 118 रिमाइंडर 3, ये इसका आंसर है। बी पार्ट देखें, 583, 5 1 इज 5 माइनस किया 0, 8 आ जाएगा, 5 वन इज 5, 3, 5 सिक्स आर 30। ये स्टूडेंट्स क्या 3 5 के टेबल पे जाता है? नहीं जाता, 1 1 16 रिमाइंडर 3। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपने अपने क्वेश्चन सी टू टी सॉल्व करने हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट्स हमारा डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी वीडियो पे, वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग या पिक्चर भेज सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने लेक्चर में हर जगह पर लिखा है कि ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है,
आपने उन्हें अपने प्रैक्टिस करनी है, उन्हें सॉल्व करना है, ताकि आपको जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।